तो नमस्कार दोस्तों, बनाते रहोगे YouTube चैनल में मैं संदीप रजक आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक आरसी कार। कोई बड़ी बात नहीं है एक आरसी कार बनाना, मैं आप लोगों को आज बड़ी ही आसानी से एक आरसी कार बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों आज आप बहुत ही आसानी से इसको बना पाएंगे और आज आप मेरे साथ इसको बनाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं एक आरसी कार। तो मेरे प्रधानमंत्रियों, आप लोगों को ये कार बनाने के लिए नॉर्मली मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली आपको व्हील की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। इसे कहते हैं टम्बलर स्विच, ये कहलाते हैं टम्बलर स्विच। ये नॉर्मली आपको किसी भी शॉप पर 45 से 30 रुपये में आप लोगों को ये मिल जाएंगे। मैंने हैवी टम्बलर्स का यूज़ किया हुआ है। आपको नॉर्मली इधर वायर का यूज़ करना है। आपको इधर पर किसी भी गोल मोटर या चपटी हुई मोटर का आप यूज़ कर सकते हैं, 3.5 वोल्ट, ये भी 3.5 वोल्ट का है। फ्रेंड्स आपको एक नॉर्मल ऐसा बॉक्स ले लेना है, बॉक्स के बाद आपको ऐसा कार्डबोर्ड ले लेना है और इसको इस शेप में काट लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको इस शेप में काट लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने फाइनली इस कार्ड को इस तरीके से काट लिया है। आपको भी इधर पर अगर आप गोल मोटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस बीच में आपको ऐसा एक कट लगा लेना है। दोस्तों इस तरीके से हम इस बोर्ड को काटते हैं। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आगे का प्रोसेस आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को ये इस तरीके का एक रिंग जो साइकिल का नॉर्मली स्पोक होता है, आपको उसकी हेल्प से इस तरीके से बना लेना है। तो आप बना लेंगे, मैं इसको बनाने में समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। देखिए पहले आपको इस तरीके से इसे मोड़ना है, फिर इधर से इधर। फिर ध्यान रखें कि इसे मोड़ने के पहले इसमें एक जो आपका जेल पेंस होते हैं उनका रिफिल डाल लें, फिर उसके बाद में आप इस तरीके से इनको मैनेज कर लें। ऐसे मैंने एक पेयर मैनेज करके रखा हुआ हूँ। आप इन्हें बना लीजिए और इनमें मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले इन व्हील्स को लगाने से पहले मैं इन दो कार्ड के जो टुकड़े थे इनको यहाँ लगाऊंगा, जिससे कि मेरे व्हील्स को सपोर्ट मिलेगा और ये उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसमें अपने व्हील्स के लिए इसको इसमें फ़िट कर लेते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर ग्लू गन से स्टिक कर दिया है। दोस्तों बड़ी आसानी से आप इसको स्टिक करेंगे और अब हम इसमें इस तरीके के रिफ़िल का यूज़ करेंगे। दोस्तों रिफ़िल को आप लोगों को नॉर्मली इस तरीके से इसमें दो होल बना लेने हैं जो कि इसके साइज़ के होंगे। अब मैं इनके अंदर इसे पुश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों नॉर्मली हम इनमें व्हील्स लगाएंगे और हम अब इसमें मोटर फिट करने जा रहे हैं। तो आपको नॉर्मली इस मोटर को फिट करने के लिए मैं भी आप लोगों को ये निकाल के बता रहा हूँ। तो आपको नॉर्मली इस मोटर को इस तरीके से इसमें फ़िट कर देना है। अभी आप लोगों को देखना है कि ये सफिशिएंट जगह रहे इसमें मुड़ने के लिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप लोग इसको सही तरीके से बैलेंस करें। तो मैं अभी इसको ज़्यादा नहीं तो इस तरीके से बैलेंस कर दे रहा हूँ कि ये मेरा सफिशिएंट मुड़ने के लायक हो। तो मैं इसे इस तरीके से बैलेंस कर रहा हूँ। ये मोटर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको इतनी दूरी इसमें रखनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम इतनी ही डिस्टेंस में और इसको इस तरीके से ग्लू गन से कवर कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने नॉर्मली इस मोटर को अपने बोर्ड पर कवर कर दिया हूँ। मैंने इसे ग्लू गन से इस पर चिपका दिया हूँ। दोस्तों मैंने इस मोटर में रिफ़िल का यूज़ किया हुआ है जो कि सेलो पेन की, आप किसी भी नॉर्मल पेन का यूज़ इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं इसमें पीछे का गियर लगाने जा रहा हूँ। तो गियर आपको कुछ इस तरीके से किसी भी पुरानी गाड़ी का या किसी भी पुरानी इंजन का ले लेना है। तो हम इस गियर को चलिए इस पर लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने ग्लू गन से इसमें गियर लगा लिया है। तो मेरे प्रधानमंत्रियों, अब आप लोगों को इसमें आगे वाले जो व्हील्स आपको फ़िट करने हैं, तो चलिए दोस्तों आगे वाले व्हील्स फ़िट करते हैं। आगे वाले व्हील्स आपको इस तरीके से फ़िट कर लेना है दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल बनाते रहो को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब में इस तरीके के वीडियो बना के देने वाला हूँ। आप बड़े ही आसानी से इन सब चीज़ों को बना पाओगे, मैं आपको ये सेटिस्फैक्ट्री दे रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसमें आगे का पूरा काम कंप्लीट कर लिया हूँ। तो दोस्तों अपनी कार का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब अपने को हमारे रिमोट पर वर्क करना है। तो दोस्तों चलिए अब इसको साइड में करते हैं और रिमोट पर वर्क करते हैं। दोस्तों रिमोट बनाने के लिए आप लोगों को ऐसे एक बॉक्स की जो कि नॉर्मली वेस्टेज है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको इस तरीके से इसको काट लेना है। इसे इस तरीके से काटने के बाद में आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है टम्बलर स्विच। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, इस स्विच का नाम है टम्बलर स्विच। आपको इस तरीके से इसको इस बोर्ड पर इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये मैंने इस तरीके से मैं जोड़ लिया हूँ।
तो दोस्तों मैंने नॉर्मली इधर पर टम्बलर स्विच में क्या कनेक्शन किया मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों इसमें 6 पिन्स होती है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आपने इन दो पिन्स को छोड़कर इंटरसेक्शन में इनके कनेक्शन कर देने। तो देखिए दोस्तों मैंने इस पिन का कनेक्शन इससे किया हुआ है, इस पिन का कनेक्शन इससे किया हुआ है, फिर इन दो पिन्स को, ये दो पिन्स का कनेक्शन मैंने इन दो पिन से किया हुआ है, और इस पिन का कनेक्शन इस पिन से, और इस पिन का कनेक्शन इस पिन से किया हुआ है। दोस्तों ये इसका कनेक्शन है। अब नॉर्मली मैं आप लोगों को अगला कनेक्शन समझाता हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों नेक्स्ट कनेक्शन आप लोगों को क्या समझना है, 4 वायर्स जो आपकी, 2 वायर्स जो जाएंगी आपके आगे की मोटर में जाएंगी, और 2 पीछे के जो आपको मतलब स्पीड देंगी उस वायर के, 2 कनेक्शन है। टोटल 4 वायर्स आपके बाहर जाएंगे। तो दोस्तों बीच वाले स्विचेस से आपको 2 वायर और बीच वाले स्विचेस से आपको 2 वायर कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी मोटर, अब अपनी जो हमने गाड़ी तैयार किया हुआ है हम उसमें इसे फिट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा कार रेडी है। मैंने इधर पर एक रबर का यूज़ किया हुआ है जो कि हमारा हैंडल को ड्राइव करने में हमको मदद करेगा। दोस्तों मैंने इसके ऊपर ग्लूगन लगा दिया है, इन जो साइड्स के ऊपर ग्लूगन लगाने का मेरा कारण ये है जिससे हमारे ये रिफल बाहर ना निकले। दोस्तों मैंने इधर पर वायरिंग कर दिया हुआ है, देखिए 2 वायर मैंने मोटर से जुड़े हुए हैं, 2 वायर मैंने इस मोटर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों एक और नोट करने वाली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ एक चार्जर की वायरिंग का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि बैटरी अभी मेरे पास प्रेजेंट में लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे पास बैटरी नहीं था, तो मैंने इधर पर 2 वायर मतलब जो मेरा चार्जर का वायर है मैंने इसका यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए हमारा कार रेडी है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों टेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसी बोर्ड से, इसी रिमोट से इस कार को या इस ट्रक को चलाकर आप लोगों को दिखाऊं, तो आप मेरे को वीडियो में प्लीज़ कमेंट करिए। दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना ही बहुत ही ज़्यादा मतलब गुड लुकिंग लग रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बनाकर दिखाऊंगा, और अगर आप इसको बनाकर बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि सर आप इस बॉक्स से इस चीज़ को चला के दिखाओ। मैं आप लोगों को दोस्तों पक्का मैं इस चीज़ को आपको चला के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है ये क्या है, ये एक चेसर है। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर मैं ये चेसर भी आप लोगों को एक बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि सर आप हमको चेसर बना के दिखाओ, जो बोलोगे वो बना के दिखा दूंगा भाई। एक बार कमेंट करो, और मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट संबंधी कोई समस्या आती है तो आप मुझे उसमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको तुरंत उसमें रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों फाइनली टेस्ट टाइम आ गया है। हाँ जी, तो दोस्तों अब हमारे ट्रायल का समय आ चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों को इसका ट्रायल देने वाला हूँ। ये हमारा रिमोट है, ये आगे हुआ और ये पीछे हुआ। देखिए दोस्तों हमारी कार कितनी अच्छी मूव कर रही है, इसका हैंडल बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों तो ये हमारी पीक पर जा चुकी है, अब मैं इसे वापस बुलाता हूँ, फिर से पीक पर जा चुकी है। दोस्तों ये मैंने इसको बैक किया और ये मैंने इसको फॉरवर्ड किया। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, और ट्रूली दोस्तों मेरा विश्वास मानिए, मैं आप लोगों को एक से एक प्रोजेक्ट लाकर दिखाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप उसे कैसे बना सकते हो। दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे से जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। घंटे का निशान दबा दें। धन्यवाद।